मिस करूंगा यार इस वाले वेदर को मैं, एंड यहाँ के व्यू को बहुत ही ज्यादा सीरियसली मिस करूंगा। तो होपफुली ये पहले आएगा, देन उसके बाद जो भी मम्मी का बनता है या पापा का बनता है या दोनों का बनता है या मेरा बनता है या चेरिशा का बनता है, इट्स टाइम टू से बाय। एंड मेरी तरफ से भी ना मंजुल को सारे बोल दो ऑल द बेस्ट कमेंट सेक्शन में। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रैवलोफीलिया व्लॉग्स। तो फाइनली द डे हैज़ कम व्हेन आई विल बी लीविंग फ्रॉम मुंबई। तो फिलहाल पैकिंग वगैरह सारी कर ली है, 12:30 बजे का टाइम है। तो एज ऑफ नाउ अपना ये प्लान है कि मेरी फ्लाइट है 6 बजे की शाम की, पैकिंग सारी हो गई है, इट्स ऑल डन। मैं आया था यहाँ पे 10 दिन पहले आया था, सोच के ये आया था कि 4-5 दिन के अंदर काम सारा सॉर्ट हो जाएगा, बट अराउंड 9-10 दिन लग गए हैं सारा काम वगैरह यहाँ पे सॉर्ट करने में। एंड फाइनली काम यहाँ पे जितना भी करना था वो सारा ख़त्म कर दिए। एंड मंजुल के यहाँ पे एक हेल्पर कह सकते हो, सर्वेंट कह सकते हो, वो भी यहाँ पे परमानेंट रख दी है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें लग रही थी ना कि यहाँ पे आने के बाद कि हाँ ऑल टुगेदर ये मंजुल कैसे सारा हैंडल करेगा, घर की साफ सफाई और ये सारी चीज़ें, बट जो बंदा मंजुल के पास पहले था उससे बात हुई हमारी एंड अकेली वो आ गया यहाँ पे एंड उसने उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हाँ भाई मैं हैंडल कर लूँगा। तो फिलहाल आज से वो आ गए, काम वगैरह मैंने समझा दिया उसको कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, कपड़े किस तरीके से धोने, मैं उसे समझा रहा हूँ भाई ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं एंड फिलहाल आई एम लीविंग फ्रॉम मुंबई एंड फ्लाइट है अपनी 6 बजे की शाम की। लेकिन अभी फिलहाल हमें दिन में कुछ काम है इसलिए हम थोड़ा जल्दी उठ के मंजुल एंड मैं यहाँ से अभी निकल रहे हैं, अपना काम वाम करते हुए जाएंगे एंड एक स्टूडियो में जाना है, वहाँ पे होके जाएंगे। अभी जो वेदर का हाल है कुछ ऐसा है, तो मिस करूंगा यार इस वाले वेदर को मैं, एंड यहाँ के व्यू को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली मिस करूंगा एंड होपफुली जल्दी वापस आएंगे। तो फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट वगैरह बन रहा है, मंजुल इज गेटिंग रेडी, तो ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ से, सामान मैंने सारा पैक कर लिया एंड निकलते हैं नीचे। तो गाइस फिलहाल मंजुल ना गाड़ी की चाबी भूल गए एज यूजुअल, हमेशा भूल जाता है एंड फिर ऊपर से आता है फिर नीचे आता है। तो फिलहाल ये नीचे आ गए थे, अपना सामान वगैरह पैक कर लिया, इसको डालते हैं गाड़ी के अंदर एंड फिर उसके बाद ऊपर जाना है हमें, स्विमिंग पूल एरिया के पास जाना है, 1-2 रील्स मंजुल की शूट करनी है एंड उसके बाद निकलेंगे। आज अपने अलग लुक के अंदर है ये, पूरे फॉर्मल्स पहने हुए हैं। तो अभी ऊपर जा रहे हैं हम स्विमिंग पूल एरिया में मस्त मस्त रील शूट करने के लिए। रील्स वगैरह शूट कर ली थी एंड भाई इतना मुश्किल हुआ ना रील शूट करने में, मैं वो डायलॉग वाली जो रील्स होती है ना बहुत टाइम से नहीं बनाई, आई गेस अराउंड 2-3 साल पहले मैंने उस टाइप की रील्स बनाई होंगी एंड मेरे को एक टेक देने के लिए कम से कम भाई 10 बार ट्राई किया होगा तब जाके एक रील बनी है, बड़ी मुश्किल से, उसी में ही सारा टाइम कंज्यूम हो गया। तो अभी फिलहाल मंजुल को ना कुछ फोटो स्टेट्स निकलवानी थी, जेरोक्स वगैरह निकलवाने गए हैं एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके साइन करवा के जाने थे, तो मैं सोचा यहीं से करवाते चलते एंड उसके बाद अपन लोग निकल रहे हैं यहाँ से स्टूडियो के लिए। तो जिस स्टूडियो पे जा रहे हैं वो आपको जाके वहाँ पता लग ही जाएगा। तो फाइनली गाइज हम निकल चुके हैं, अभी गए हुए थे मंजुल के यहाँ पे स्टूडियो में बॉम्बे में, तो फिलहाल वो स्टूडियो वाला काम हो गया, एक मीटिंग करनी थी वो हो चुकी है मीटिंग एंड एज ऑफ नाउ वी आर हेडिंग टू एयरपोर्ट एंड भाई फाइनली इट्स टाइम टू से बाय टू मंजुल। ना देखो यार कब प्लान बनता है वापस आने का यहाँ पे, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी प्लान्ड एनी टाइम सून। तो लेट्स सी मंजुल वहाँ पे पहले, ये देखो भाई हरकतें देख लो इसकी। तो देखते हैं यार मंजुल पहले वहाँ पे आता है बिकॉज इसका काम है वहाँ पे कुछ, तो होपफुली ये पहले आएगा, देन उसके बाद जो भी मम्मी का बनता है या पापा का बनता है या दोनों का बनता है या मेरा बनता है या चेरिशा का बनता है या हम खाना का बनता है या खाना के छोटा सा वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके वो देर के आ रहा है, ये रहा मेरा आधार कार्ड बच्चा तुम ऐसे जाओ। तो फिलहाल जिसका भी प्लान बनता है लेट्स सी एंड इस बार तो सारा सेटिंग में निकल गया, अगली बार कुछ बढ़िया से ट्रिप वगैरह प्लान करेंगे, आसपास जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे मस्त मस्त शूट करेंगे। सो फिलहाल एज ऑफ नाउ वी आर हेडिंग टू एयरपोर्ट, पहुंचते हैं वहां पे एंड वहां चल के मिलते हैं गाइस। सो गाइस फाइनली आई एम एट द एयरपोर्ट एंड इट्स टाइम टू से बाय एंड मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट एंड जल्दी आइयो या हम जल्दी आएंगे। एंड एंड मेरी तरफ से भी ना मंजुल को सारे बोल दो ऑल द बेस्ट कमेंट सेक्शन में। सो फाइनली गाइस सारा जो भी अपना प्रोसीजर करना था ना वो हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया, बोर्डिंग पास ले लिए एंड फिलहाल अभी कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ एंड मस्त सब व्यू एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी एंजॉय करो।
thinking out loud. We won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well. I will always be by your side. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. So guys, finally I've reached and अभी जा रहा हूँ बैगेज वाली बेल्ट की तरफ, अपना बैगेज उठाएंगे एंड टैक्सी पे जाना है यार, बिकॉज अभी मैं पापा को बोला था जाम का टाइम है तो आने का फ़ायदा नहीं है, मैं टैक्सी पे आ जाऊँगा. तो फिलहाल अपना बैगेज कलेक्ट करते हैं एंड पहुँच के मिलते हैं गाइस. आई रीच होम एंड ये काना के लिए एयरपोर्ट से ना छोटा सा एक गिफ्ट ले लिया था एंड अपनी गाड़ी भाई बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, बहुत चलाने का मन हो रहा है. मन तो कर रहा है अभी लेके निकल जाऊँ कहीं ना कहीं, लेकिन भाई उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये है कि काना से, चरिशा से सबसे मिलना है. काफ़ी टाइम हो गया, इतने टाइम के लिए ना मैं कभी अकेला नहीं गया. सो चलते हैं फटाफट ऊपर एंड ऊपर चल के मिलते हैं गाइस. डोर बंद कर दो कानू. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck.